दोस्तों प्रभास के आने वाली फिल्म में बादशाह का गाना होगा या योयो हनी सिंह का, इस बात पर कई सारी खबरें चल रही है, जिसमें कंफर्म हो चुका है कि जैकलिन फर्नांडिस फिल्म के अंदर आइटम सॉन्ग करेगी, उस गाने में बादशाह की आवाज़ होगी। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हनी सिंह का गाना भी फिल्म में होने की पूरी पूरी चांसेज है। हमने एक वीडियो में आपको बताया था हनी सिंह का जो गाना है वो प्रभास के एंट्री पर होगा, साथ ही बैकग्राउंड में चलेगा। और जिस प्रकार से साहो के ट्रेलर में बैंग बैंग को दिखाया गया, वो गाना हनी सिंह का माना जा रहा है कि हनी सिंह उस गाने में हमें रैपिंग करते हुए सुनाई दे सकते हैं। हालांकि ये खबर पूरे तरीके से अभी तक ऑफिशियल नहीं हुई है, लेकिन ये बात काफ़ी शानदार तरीके से सोशल मीडिया पर फैल रही है कि हनी सिंह गाना गाने वाले हैं साहो के अंदर। अगर आप ट्विटर पर देखें या इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर, हनी सिंह और साहो के नाम पर कई खबरें हमें चलती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर वास्तव में हनी सिंह का गाना साहो के अंदर होने वाला है तो ये योयो के फैंस के लिए काफ़ी बेहतरीन बात होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, योयो हनी सिंह के फैन फॉलोइंग भारत में सभी सिंगर से काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो बादशाह के कंपेयर में हो या फिर कोई अन्य सिंगर में। जब भी रैपिंग की बात आती है, पार्टी सॉन्ग की बात आती है, तो हनी सिंह का नाम अव्वल दर्जे के सिंगर्स में आता है। योयो हनी सिंह ही वो है जो उन्होंने भारत में म्यूज़िक इंडस्ट्री का रैपिंग में रिवॉल्यूशन लाया था। अब देखना होगा कि साहो में अगर उनका सॉन्ग आता है तो किस प्रकार से उसे बुना गया है। खैर, साहो फिल्म से अगला जो गाना आएगा वो रोमांटिक होने वाला है, जो ऑस्ट्रेलिया में फिल्माया गया है, बेबी वॉन्ट यू लव मी। ये सॉन्ग होगा जो अगला सॉन्ग रिलीज़ किया जाएगा साहो की तरफ से। लेकिन फिलहाल हनी सिंह के गाने का सभी को बेसब्री से इंतज़ार है। बीते दिनों रिलीज़ हुआ साहो का ट्रेलर दर्शकों के दिलो दिमाग में छा गया। ज़बरदस्त एक्शन, VFX और विजुअल्स और बैकग्राउंड म्यूजिक ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। दोस्तों, साहो में जिस प्रकार का एक्शन होने वाला है, अगर उसके साथ हनी सिंह का गाना बैकग्राउंड में चलता हुआ दिखाई देगा तो फैंस के लिए सोने पे सुहागा होने वाला है। हनी सिंह और प्रभास की जोड़ी देखने के लिए फैंस बेताब हैं। वहीं श्रद्धा कपूर भी इस फिल्म के अंदर अहम किरदार निभाती हुई नजर आएंगी। वे रोमांटिक एंगल के साथ हमें एक्शन करती हुई भी दिखाई देने वाली है। दोस्तों, आपको साहो का ट्रेलर कैसा लगा था, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप क्या चाहते हैं कि हनी सिंह का गाना प्रभास के ऊपर बैकग्राउंड म्यूजिक पर फिल्माया जाए, कमेंट बॉक्स में जवाब दें। और भी खबर जानने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करें देखो देखो, ताकि बॉलीवुड से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। वीडियो पर एम करते हैं 1000 लाइक्स के लिए।